फ्रेंड्स, वेलकमिंग एवन अपडेट चैनल, जो कि आपको हर वक्त सटीक जानकारी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले बता दूं, आपने बिल्कुल सही सुना, ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वह स्थगित हो गया है और यहाँ पर ग्रुप सी का रिजल्ट डेट जाहिर हुआ है। लेकिन कौन सी ऐसी पोस्ट है जिनका रिजल्ट बाद में होगा और ग्रुप सी ऐसी कौन सी पोस्ट है जिनका रिजल्ट यानी कि नेक्स्ट वीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। हम जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए, तो वीडियो पूरा देखिए क्योंकि विद प्रूफ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर PDF डाउनलोड कर लेते हैं। और अभी अभी एक अपडेट आया हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँ। आरोग्य विभाग गट भर्ती संदर्भाने महत्वाची सूचना, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इन मराठी लैंग्वेज में आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हो आपकी आरोग्य विभागाच्या गट क व गट भर्ती बाबत महत्वाची सूचना येथे दिलेली आहे, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है अपडेट। मैं आपको डायरेक्टली PDF डाउनलोड करके दिखाता हूँ। PDF मैं डाउनलोड कर रहा हूँ और हम देख लेंगे कि क्या कुछ अपडेट है ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों स्टूडेंट गट ड व गट क या दोनों विद्यार्थियांसाठी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने PDF डाउनलोड कर लिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहने वाला है ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो आरोग्य विभाग यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, हेडलाइन दिया हुआ है, आरोग्य विभागाच्या गट क व गट ड भर्ती संदर्भात महत्त्वाची सूचना दिलेली आहे। आरोग्य विभागातील गट क मधील 14 नेमणूक अधिकारी यांच्या अंतर्गत 52 सवर्गाच्या भर्तीची प्रक्रिया सुरू आहे, ठीक आहे। 24/10/2021 रोजी घेतलेल्या गट क परीक्षेच्या सर्व सहभागी तात्पुरत्या उत्तरपत्रिका आणि की प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या असून, या संदर्भात परीक्षार्थींनी केलेल्या सूचनांनी छाननी करण्यात येत आहे। तसेच ज्या मुलांना चुकीची प्रश्नपत्रिका देण्यात आली असे 10 सवर्ग आहेत, तो आप देख सकते हो लगभग ऐसे 10 सवर्ग है जिनको यहाँ पर मैं बोलूँगा रॉन्ग, जो यहाँ पर आंसर की सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर रॉन्ग क्वेश्चन पेपर दिया गया था। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है त्यांची पुनः परीक्षा घेण्याची कार्यवाही सुरू है, मतलब वह जो 10 प्रवर्ग है उनकी एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगी। इसलिए मैंने मेरे जो यूट्यूब का थंबनेल है उस पर दिखा होगा आपको कि मैंने लिखा है वहाँ पर री एग्ज़ाम विथ 100% प्रूफ के साथ आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, उससे पहले आप देखिए जो कि ग्रुप सी का रिजल्ट और ग्रुप डी का रिजल्ट स्थगित की भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ज्या 10 सवर्गामधील उमेदवारांच्या फेरपरीक्षा घेण्यात आले येणार आहेत, ते सवर्ग मंडळ सोडून इतर सवर्गाचे मंडळाचे निकाल जशा उत्तर तालिका अंतिम होतील त्यानुसार प्रसिद्ध करण्यात येईल। आप देख सकते हो वह जो 10 सवर्ग है उनको छोड़कर बाकी जो सवर्ग है उनके जो रिजल्ट है वह यहाँ पर अपडेट किए जाएंगे। मंडळाचे बाबत चुकीच्या प्रश्नपत्रिका मिळालेल्या उमेदवाराची फेरपरीक्षा झाल्यानंतर निकाल प्रसिद्ध करण्यात येईल। मतलब आप डायरेक्टली यही मैं बोलूँगा 100% श्योर कर लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक री एग्ज़ाम नहीं होता उन 10 सवर्गों का, तब तक आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा ग्रुप सी का, ठीक है। ग्रुप सी का तब तक रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा, लेकिन अपडेटिव इन्फॉर्मेशन आती है और ऑफिशियल वेबसाइट पर हर बार मैं बोलूँगा इन 8 डेज कोई ना कोई अपडेट निकलती है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कीजिए, आप अलर्टिव सेशन में रहिए, यानी कि आपको पता है चलना चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है ग्रुप सी और ग्रुप डी रिजल्ट डेट रिलेटेड, या फिर रिजल्ट कब तक आपका पब्लिश होने के चांसेस बनते हैं, क्या कट ऑफ रहने वाला है। क्योंकि अगर आप अपडेटिव नहीं रहोगे तो फ्रेंड्स, ये आरोग्य विभाग ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को यानी कि पिछले लगभग 2-3 दिनों में मेल आया है, किन स्टूडेंट को नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, आपको अपडेटिव रहना है। फॉर अपडेटिव इन्फॉर्मेशन आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और इस तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विथ 100% श्योर और प्रूफ के साथ देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं आगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है ऑल स्टूडेंट के लिए। राज्य स्तरीय सवर्गाच्या बाबत उदाहरणार्थ संचालक कुष्ठरोग अंतर्गत अवैद्यकीय सहायक सवर्ग या पदाचा निकाल फेरपरीक्षा झाल्यानंतर प्रसिद्ध करण्यात येईल। आप देख लीजिए सहसंचालक कुष्ठरोग अंतर्गत अवैद्यकीय सहायक सवर्गाचा रिजल्ट आप देख सकते हो परीक्षा झाल्यानंतरच प्रसिद्ध करण्यात येईल, ठीक आहे। बात आती है मंडळ स्तरावरील सवर्गाच्या बाबतीत, यानी कि उदाहरणार्थ दूरध्वनी चालक का यहाँ पर पद राहता उस सवर्ग मंडळ स्तरीय असल्यामुळे अशा पदासाठी ज्या मंडळामध्ये चुकीची प्रश्नपत्रिका देण्याची घटना घडली आहे ते सर्व सोडून इतर मंडळाचे अंतिम निकाल जाहीर करण्यात येईल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो यानी कि चुकीची प्रश्नपत्रिका जिथे दिली होती तिथले सोडून बाकी सर्व यहाँ पर मैं बोलूँगा रिजल्ट पब्लिश होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, रिजल्ट आपका तब भी होगा जब उस 10 सवर्गों का रिजल्ट री एग्जाम कंडक्ट कराएगा आरोग्य विभाग। फेर परीक्षा घेण्यात यावयाच्या नेमणूक अधिकारीनुसार सवर्ग आणि फेर परीक्षेची तारीख पुढील आठवड्यात जाहीर करण्यात येईल। फेर परीक्षेची यानी की री एग्जाम उन 10 प्रवर्गों का री एग्जाम होगा, तो आप
यहाँ पर नेक्स्ट जो यानी कि आपका वीक रहने वाला है, उस वीक में उस परीक्षा डेट यानी कि यहाँ पर नेमनु सॉरी उस परीक्षा डेट की यहाँ पर मैं बोलूँगा अपडेटिव इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर व तसेच संबंधित उमेदवारांना कळवण्यात येईल आणि जे ज्यांची रीएक्झाम होणार नाही त्यांना पण कळवण्यात येईल। अब आता है यहाँ पर गट ड का प्रश्न, तो आप देख सकते हो यहाँ पर गट ड संवर्ग परीक्षेबाबत पुढील कार्यवाही स्थगित ठेवण्यात आली है। मैंने जैसे कि आपको बताया था थंबनेल पर, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, सही लिखा है, जो है मैंने वही लिखा है 100% श्योर, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो गट संवर्ग परीक्षेबाबत पुढील कार्यवाही स्थगित ठेवण्यात आलेली आहे। पोलीस विभागाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच अहवालातील माहितीनुसार गट संवर्ग भरतीबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल। तो फ्रेंड्स आपने इतना सारा PDF मेरे साथ पढ़ा, ठीक है। आपको क्या लगता है कि मुझे तो यही लगता है कि 100% श्योर रिजल्ट यहाँ पर आपका लेट होगा, और जब तक ग्रुप सी उस जो 10 प्रवर्गों का एग्ज़ाम नहीं होता, री एग्ज़ाम नहीं होता, तब तक तो ग्रुप सी का रिजल्ट यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं है, तभी आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा ग्रुप सी का। बात आती है ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी का रिजल्ट मैं बोलूँगा लेट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि यानी कि परीक्षा तो ले लेते हैं लेकिन रिजल्ट इतना लेट करते हैं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर यानी कि बीच में कुछ ना कुछ तो फ्रॉड होता ही होगा। तो फ्रेंड्स हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बीच में इतना इतना गैप नहीं होना चाहिए, इतना गैप रॉन्ग है। जब आपकी एग्ज़ाम हुई थी और आपका रिजल्ट लगने में लगभग मैं बोलूँगा लगभग 15 डेज होने चाहिए, इतना गैप अगर होता है तो कुछ ना कुछ तो फ्रॉडबाजी करता ही है आरोग्य विभाग। आपको सबको पता होगा पेपर लीक के मामले भी सामने आए थे। तो फ्रेंड्स चैनल पर बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे ही अपडेट निकल कर आती है या फिर कोई भी अपडेटिव इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं बोलूँगा अपडेट होती है, सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले यहाँ पर अलर्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास के बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप मैं बोलूँगा विथ फ्री आप यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, तो आपको न्यू अपडेट मिलती रहेंगी। जय हिंद। क्या आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है? तो बिल्कुल डरना छोड़ दीजिए, आज ही डाउनलोड कर लीजिए डाउटनट ऐप और हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आप खरीद सकते हो। यहाँ पर आपको इंग्लिश एकदम बेसिक से पढ़ाई जाएगी और टॉप इंग्लिश टीचर्स आपको यहाँ पर लाइव पढ़ाएंगे। अगर आपको अंग्रेज़ी में हिचकिचाहट हो, या फिर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अंग्रेज़ी में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हो, अंग्रेज़ी में टॉप लेवल के हीरो बनना चाहते हो, तो अभी डाउनलोड कर लीजिए डाउटनट ऐप और हमारा कोर्स अभी ख़रीद लीजिए।